लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मैट मी लिप क्रीम के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैट मी इंडिया में बहुत चीप लिप क्रीम है, जो कि ड्यूप है स्लीक मैट मी का, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड है। उसी का ड्यूप है मैट मी, जो कि आता है इन कलर कॉस्मेटिक की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रोडक्ट, प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड सब। तो ये रहा उसका फर्स्ट लुक। ये आता है क्यूबॉइड शेप में और इसका मटेरियल ग्लास का है, बॉडी ग्लास की है और कैप मैट ब्लैक, जेड ब्लैक है। और ये सी थ्रू ग्लास में आता है। पैकेजिंग बहुत स्लीक है, स्टर्डी है, इजी टू ट्रैवल है। आप इजीली इसको खोल सकते हैं और अपने बैग में डाल सकते हैं, यूज़ करने के बाद रख सकते हैं। ये उसकी पैकेजिंग खुल के बाहर नहीं आएगा और बहुत ही लवली लुक है इसके पैकेजिंग का। और इसका वॉन्ड बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेटर बहुत स्मूथ है, आपको लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसी से डायरेक्टली लिपस्टिक विदाउट लिप लाइनर लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसको स्वॉच करूँगी अपने लिप्स पे, देखिए एक बार ही लगाने में क्या कलर आ रहा है। बहुत ही पिगमेंटेड कलर आ रहा है, देखिए मेरे हाथ पे स्वॉच किया है, बहुत ही ब्लड रेड कलर आ रहा है, ब्राइट सा। और मुझे लिप लाइनर की ज़रूरत है, मैं ज़रा ज़रा सा ले करके पहले इसे अपने लिप लाइन्स पे लगा लेती हूँ, बॉर्डर्स पे लगा लेती हूँ और धीरे धीरे मैं इसको फिल कर लूँगी अपने लिप्स पे। ये एक बार सूख जब जाता है तब ये ड्राई लुक देता है, मैट, कंप्लीट मैट है ये, बिल्कुल ग्लॉसी नहीं है। अभी लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ग्लॉसी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये कुछ सेकंड्स में सूख जाते हैं, ये एकदम से मैट लुक देता है। मैट लवर्स के लिए मस्ट हैव कलर पिगमेंटेशन एंड लिप क्रीम है। तो ये मैंने लगा लिया है, कलर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही पिगमेंटेड और ओपेक है। मैंने सिर्फ एक ही बार इसको स्वाइप किया है अपने लिप्स पे और मैं अपने लिप्स के अंदर भी ऐसे फिल कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई डार्क लिपस्टिक लेते हैं और उसको लिप्स के अंदर नहीं फिल करते तो जब हम बात करते हैं तो वो अंदर से ना लिप का कलर नज़र आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा रहेगा अगर आप अंदर भी इसको फिल कर लें, डार्क लिपस्टिक्स को स्पेशली। तो ये ब्राइट स्किन टोन पे, फेयर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, बट मुझे लगता है ये डस्की स्किन टोन पे भी अच्छा लगेगा। सी आई एम डांसिंग बिकॉज आई रियली लव दिस कलर। मैंने इसको दो तीन बार और कोट किया है अपने लिप्स पे देखने के लिए कि इसका डार्कर शेड कैसा लगेगा। तो पहले थोड़ा सा लाइट था, अभी मैंने डार्क कर लिया, तो डार्क होने के बाद ये और भी ज़्यादा रॉकिंग लग रहा है मेरे स्किन टोन पे। तो ब्राइट फेयर स्किन टोन, डस्की स्किन टोन कैन गो फॉर दिस कलर, इन दोनों पे ही अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा कलर है ये ब्लड रेड। इसका शेड नंबर है 401, इन कलर मैट मी की तरफ से आता है, ये पूरा मैट है। चलिए चेक करके देखते हैं क्या ये ट्रांसफ़र प्रूफ है या नहीं। हालांकि मैट लिपस्टिक को ट्रांसफ़र प्रूफ होना चाहिए और मुझे बहुत पसंद। ओह वाओ, मैं अमेज्ड हूँ देख करके कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। तो मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि ये ट्रांसफ़र हो जाए मेरे हाथों पे, पर ये नहीं हो रहा है। ये कलर बहुत ही अमेजिंग है, ट्रांसफ़र प्रूफ है, स्मर्ज प्रूफ है। कितना भी आप लगाने के बाद अपने लिप्स को रब करें, ये बिल्कुल कलर इधर से उधर कहीं नहीं होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये रिमूव कैसे होगा अभी हमारे लिप से, क्योंकि ये वाटर से तो जाने वाला है नहीं। मैंने ट्राई किया, ये वाटर से बिल्कुल भी नहीं गया। तो या तो आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़ेगा या फिर चीप वे है कि आप ऑयल भी अपने लिप्स पे रब करके इसको हटा सकते हैं। हालांकि आप कोई भी मेकअप रिमूव करना चाहें, तो अगर आप मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना चाहते, आप कोई भी नेचुरल ऑयल यूज़ करके अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉप लिया है अपने लिप्स अपने हाथों पे और मैं इसको रब कर रही हूँ, और सच में मुझे बहुत टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि एक बार में निकल नहीं रहा। और कोई लिपस्टिक होती तो ज़रा सा रब करने से वो निकल आती है, लेकिन इसको मुझे बार बार रब करना पड़ रहा है अपने लिप्स पे। तो चलिए देखते हैं कि निकल पाता है या नहीं निकल पाता ईजीली। हालाँकि निकल तो जाएगा क्योंकि मैंने रेवलॉन का मेकअप रिमूवर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट ये मुझे टफ टाइम दे रहा है। तो मैंने कॉटन लिया है, कॉटन से मैं इसको एक बार रब करके देखती हूँ जाता है नहीं जाता। ये मानना पड़ेगा ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा स्मर्ज प्रूफ और वाटर प्रूफ है, बिल्कुल हिलने का तो नाम ही नहीं ले रही।
तो ये मैंने मेकअप रिमूवर से रिमूव किया और काफ़ी हद तक ये निकल गया है। थोड़ा सा रहता है, मुझे एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा इसको अच्छी तरह से हटाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने लिपस्टिक को, लिप क्रीम को अपने होठों से हटा सकते हैं। वैसे ये आता है 200 से 350 के बीच में, डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि पैकेट के ऊपर प्राइस नहीं लिखा होता है, तो आपको शॉपकीपर से बार्गेन करना पड़ेगा लेने के लिए। ये रहा मेरा लुक लिपस्टिक से पहले और लिपस्टिक के बाद। ये मेरे लिप्स पे आते ही मेरे चेहरे को ब्राइट कर देता है और बहुत अच्छा लुक देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या कई लोग इंस्टाग्राम पेज पे भी इसको सेल करते हैं। तो मैं इसको दूंगी आउट ऑफ 5 3.8। मैं इसके मार्क्स इसलिए काटे हैं क्योंकि एक बार ये लिप्स पे सूख जाते हैं ना, तो ये ड्राई हो जाता है, मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। तो आप पहले लिप्स पे लिप बाम लगा लीजिए, एक्सफोलिएट कर लीजिए, उसके बाद ही इसको लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मैं आपसे जल्द मिलूंगी अगले वीडियो।